सब फड़े जानगे। मजीद किस किस की गिरफ्तारी का खदशा। साबिक वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने खतरे की घंटी बजा दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 4 मुकदमात में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी ने 9 मई के 4 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। फवाद चौधरी अपनी अहलिया हिबा फवाद के हमराह लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत के बाहर सहाफियों के सवालों पर क्या आपको अभी भी गिरफ्तारी का खदशा है, फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त गिरफ्तारी का खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो 4 मरतबा जेल से आए हुए हैं और अल्लाह खैर ही करेगा। अभी भी शख्स को हर वक्त गिरफ्तारी का खतरा है, ये कौन सी बात? अच्छा, 1-2-3 दफा हुए हैं तो अभी भी 4 दफा हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जेल साबिक वफाकी वज़ीर ने हुकूमत से मुतालिक कहा कि यह हुकूमत 5 महीने और पूरी कर ले बड़ी बात। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाने की अशद जरूरत है। जहां इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो रही हों तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है। हम तो मेहनत ही कर सकते हैं कि बस अब आगे बढ़े। बानी पीटीआई को जेल में रखकर टेम्परेचर नीचे नहीं आ सकता। दूसरी जानी अदालत ने 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने आंदा समात पर पुलिस से मुकदमा का रिकॉर्ड भी तलब कर दिया। फवाद चौधरी ने थाना मॉडल टाउन के 2 थानों गुलबर्ग और नसीराबाद के 1-1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत दायर की थी।